भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। टिहरी जिला अस्पताल बौराड़ी में बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सागर भंडारी ने धरना दिया और बदहाल व्यवस्था जल्द ठीक नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। भंडारी का कहना है कि जिला अस्पताल में कोविड के चलते गर्भवती महिलाएं आ रही हैं, जिसमें से अधिकतर पॉजिटिव आ रही हैं और उन्हें ऋषिकेश रेफर किया जा रहा है, जिससे तीमारदार परेशान हो रहे हैं। सागर में कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठता है और इसका उदाहरण आपने भी देखा है। अब आप लोग धरने में बैठे हो, क्या मांग करते हैं? सर, हम सरकार से हमारी ये मांग है कि ये जिला मुख्यालय जो अस्पताल है, यहाँ पे लोग बड़े उम्मीद से आते हैं। बहुत मतलब सीमांत क्षेत्रों से यहाँ पर जिला मुख्यालय जुड़ा हुआ है, काफ़ी सीमांत क्षेत्र यहाँ पर लोग आते हैं। तो जो लोग यहाँ पर आते हैं, अगर वो कोरोना पॉजिटिव भी कोई महिला है, डिलीवरी केस यहाँ पर आता है, तो सरकार उनके लिए व्यवस्था करवाए, उनको दूसरे ज़िले में ना भेजें, क्योंकि दूसरे ज़िले में वो धक्के के अलावा उनको और कुछ नहीं मिलता। अधिकतर पेशेंट पॉजिटिव दिखाए जा रहे हैं, लेकिन अन्य जगह नेगेटिव आ रहे हैं। जी जी, कल से हमारे सामने सब तीन चार ऐसे प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, जिसमें कि यहाँ पे हिमालयन अस्पताल और जिला अस्पताल में यहाँ पे उनको पॉजिटिव दिखाया गया, लेकिन जब दूसरे अस्पताल में उन्होंने टेस्ट कराया तो वहाँ पे वो नेगेटिव पाए गए। तो कहीं ना कहीं सर, इनकी जो किट है जिससे टेस्ट करते हैं, वो भी संदेह के घेरे में, नकली किट शायद यहाँ पर है, जिसके कारण यहाँ पर लोग पॉजिटिव आ रहे हैं।